गर्मी का मौसम शुरू होते ही ताजमहल पर पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिलती है। शनिवार को वीकेंड के चलते पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। गर्मियों का मौसम आते ही ताजमहल पर पर्यटकों में काफी कमी देखी जा सकती है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं ताजमहल के पश्चिमी गेट पर और आप देख सकते हैं कि पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि वीकेंड के दौरान ये संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाती हैं तो ये संख्या काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन आज कह सकते हैं कि काफ़ी जो पर्यटक हैं यहाँ पर ताज का दीदार करने आए हैं। देख सकते हैं कि आप काफ़ी भीड़, जो कह सकते हैं कि पर्यटकों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। अगर टिकट विंडो की बात की जाए तो वहाँ भी पूरी तरह से फुल जो कह सकते हैं लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अगर ऑनलाइन टिकट की बात की जाए तो ऑनलाइन टिकट पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन लगती हुई जैसे, हालांकि अभी थोड़ी सी कम हो गई है, नहीं तो काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिल रही थी इस पर। और तो कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं गर्मी होने के बावजूद भी। अगर एंट्री गेट की बात की जाए तो एंट्री गेट पर भी काफ़ी जो पर्यटक हैं वो देखे जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में वो कह सकते हैं कि पश्चिमी गेट जो है, जो ताजमहल का बेस्ट गेट माना जाता है, वहाँ पर इस तरह की जो हालात हैं देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी संख्या में पर्यटक ताज का दीदार करने आ रहे हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए गर्मियों के दिनों में जो पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा सकती थी, लेकिन हालांकि आज यहां पर पर्यटकों में इजाफा देखने को मिला है। अपने साथी अतुल के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।